राणा प्रताप यहाँ पे रहते थे। हाँ, चक्कर लगे यहाँ रहता था। लीगल डॉक्यूमेंट्स हल्दी घाटी क्यों जॉइन किया? देख लो फिर उधर तो भीड़ ज़्यादा है, समझा नहीं पाऊंगा उधर। देखिए इसके जैकेट का बना नहीं है, इससे बहुत बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, सारे भी नॉर्थ है, ऐसा कि ये नहीं ट्रेन किया जाता था कि वो सूंड के अंदर तलवार को पकड़े और जब युद्ध के अंदर चले, जब वो लेफ्ट से राइट उस तलवार को हिलाए तो जो भी नज़दीक में आता उसके पैर कट जाते थे। ऐसे घोड़ा आता तो पैर कट जाता, कोई भी आदमी आता उसके पैर कट गया। मान सिंह को अटैक कर रहा था तो चेतक का पैर कट गया, पैर से चेतक लंगड़ा हो गया और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए वो रिवर्स हो गया क्योंकि टीम केयर पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, वो रिवर्स हो गया और उसने बनास नदी क्रॉस कर ली। बनास नदी क्रॉस करने से उसने महाराणा प्रताप को तो बचा लिया पर खुद की डेथ उधर देखेंगे आप डेथ होगी महाराणा प्रताप को जीत पहुँचा। ये है महाराणा प्रताप का बरकत। उसके बाद में हर घोड़े पे हर हाथी जो है कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है ये हमारा बेटा है, बच्चा है, उसको जगह दे, उस वजह से भी युद्ध जीता है। हाथी कंफ्यूज हो जाता है। गांधी जी ने चश्मा जो ही लो फिल्म का, गांधी फिल्म थी उसका चश्मा ही गाड़ी फिल्म खबर है ना। महाराणा प्रताप
यहाँ पे किसी का शूटिंग हुआ है यहाँ पे जोधपुर शिव मंदिर ये है प्रेम वीर जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस महल की नींव यहाँ से रखी गई प्रेम वीर जी जिन्होंने महाराणा उदय सिंह जी को ब्लेसिंग शांति दी फोटो ले गए हमारा तो राजा पब्लिक में बांट गया जमाने में जो गवर्नमेंट नहीं थी तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसा हर राजा को बांटा एक लाख चांदी और एक लाख सोने के सिक्के लोगों में बांटे जाते थे यहाँ से राज तिलक देखा जाता था ऊपर ज़्यादा मना है ओके सर अब अपन सामने जाएंगे वहाँ पर देखिए दरबार से छोटे क्यों बना देते हैं अगर कभी और उससे क्या सिर झुका क्योंकि लंबा है और पटना आएगा सिर झुका के तो उससे ना नाक वाली से नाक देखा है समझते नहीं होली यहाँ ही खेलते थे राजा यहाँ पे होली खेलते थे ये कुंड को भर के सामने रानियाँ खेलती थी अलग अलग राजा सेलिब्रेटिंग सेपरेटली फेस्टिवल एंड रानी ऑल्सो सेलिब्रेटिंग सेपरेटली